शहडोल में आयोजित हुआ कांग्रेस का विशाल आदिवासी सम्मेलन कल दिनांक को जिला शहडोल के मानस भवन सभागार में कांग्रेस ने आदिवासी विकास मंच के बैनर तले आदिवासी सम्मेलन का आयोजन कर आदिवासी समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। मानस भवन में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के पूर्व बिरसा मुंडा तिराहा में अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल बाइक रैली के साथ अतिथियों को मानस भवन लाया गया। मानस भवन सभागार में भारी संख्या में उपस्थित आदिवासी समाज एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने कहा, कांग्रेस आदिवासी भाइयों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की शुभचिंतक है। भाजपा सरकार में केवल आदिवासियों का शोषण हुआ है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने ही आदिवासियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का प्रयास किया है। गोविंद सिंह ने कहा कि अब बदलाव की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी को आदिवासी समाज की समर्थन की आवश्यकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि कांग्रेस शहडोल के गांव-गांव में मजबूत है। जनता चाहती है मोदी जी को घर पर बैठाना। गांव के आदमी शिवराज सिंह से ऊब गए हैं। अजय सिंह ने तीनों विधानसभाओं में एक भी सीट ना जीतने के कलंक को मिटाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 5 दिन बाद बहुत बड़ा मदारी आने वाला है शहडोल में, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कहीं ईडी का छापा ना पड़ जाए। दिन में 12 बार कपड़े बदलने वाले आदिवासियों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में आदिवासी समाज भाजपा को बता देगा कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि यह शहडोल में उनकी तीसरी यात्रा है और हर बार उन्हें पहले से ज़्यादा स्नेह प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में घूमकर उन्होंने अनुभव किया है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ही बनेगी और कांग्रेस पार्टी 150 से ज़्यादा सीटों पर विजयी होने के साथ कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता रही कि जिले में सभी कांग्रेस जन एक ही मंच पर एक साथ दिखाई दिए। उक्त कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, कांग्रेस शहडोल जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, पूर्व विधायक रामपाल सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुपम गौतम, सुफियान खान, सौरभ सिंह मनु, अभिषेक शुक्ला, पूर्व जनपद सदस्य ललन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र मरावी, अनिरुद्ध सिंह, ओंकार सिंह, यशोदा सिंह, नागेश्वरी सिंह, शेष नारायण कंवर, वरिष्ठ कांग्रेसी शिव कुमार नामदेव, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज द्विवेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह, यूसुफ फारूकी, सुजीत सिंह, मुबारक मास्टर, सीमा सिंह, सिंपी अग्रवाल, संध्या सिंह, प्रदीप सिंह उपस्थित रहे। ये मेरा तीसरा दौरा है शहडोल का, पर यह है कि जब भी आते हैं तो उतना ही प्यार मिलता है जो पहली बार में मिलता है। आज सारे युवाओं को आज आदिवासी सम्मेलन में जिस तरह से जोश देखा है, मैं भी आदिवासी समाज से आता हूं, तो आज बहुत भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आज लोगों ने एक तरफा कांग्रेस के साथ साथ दे रहे हैं, ज़मीन पर पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूं, ये गारंटी से मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहूँगा कि हम इस बार प्रदेश में 150 सीटों के साथ जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप युवाओं के नेता हैं, युवाओं की किस तरह की लहर देखते हैं इस बार? युवाओं में ज़बरदस्त नाराज़गी है और सीधी सीधी नाराज़गी इस चीज़ को लेकर कि रोज़गार की जो बात करते आए थे, रोज़गार बिल्कुल नहीं मिला है और भ्रष्टाचार की सब कुछ भेंट चढ़ रहा है।